हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GDS 24x7 में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब 7th पे कमीशन रिपोर्ट आया था, तब बताया गया था कि DA जब 50% हो जाएगा तब आपकी बेसिक पे में 25% की वृद्धि की जाएगी, और वो किस आधार पर मिलेगी और क्या क्या पॉइंट दिया गया था, उस चीज़ का हम विस्तार से आज बातें करेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारे आपके ऐसे एलोवेंस और फैक्टर हैं जो भी बढ़ जाएंगे, और वो कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, वो भी मैं पूरी लिस्ट के साथ आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी जो स्क्रीन पर आपको PDF नज़र आ रहा है, जो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट का एक प्रति है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए आयोग की सिफारिश की गई है कि जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाए तो समेकित वेतन यानी बेसिक पे पैकेज 25% बढ़ाया जा सकता है। चिकित्सा सुविधाएं, दौरे पर TA DA आदि सहित अन्य सभी लाभ नियामक निकाय द्वारा उनके नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए जा सकते हैं। जिसका साफ साफ मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो जब महंगाई भत्ता आपके 50% मूल वेतन का हो जाता है तो उसे 25% तक बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महंगाई भत्ता 1/1/2024 को जब 50% क्रॉस कर जाता है तो आपको क्या क्या अलाउंस मिलेगा और उसमें कितने की वृद्धि होगी। बेसिक पे कितना बढ़ेगा ये हम पहले ही देख चुके हैं, तो देखते हैं 7th पे कमीशन रिपोर्ट में से कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे काम के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेचुटी, ड्रेस अलाउंस, होटल, फूड, ट्रेवलिंग चार्जेस, HRA, CEA, CTG। ये सारे अलाउंस वो हैं जिसका बढ़ना 100% तय है। हम बेसिक पेंशन या बेसिक पे की जो बात कर रहे थे, यह पूर्ण रूप से सरकार के ऊपर है, लेकिन जैसे ही DA 50% क्रॉस हो जाएगा उसके बाद ये सारे अलाउंस जो भी फैक्टर्स हैं ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, देखते हैं हम आगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपनी ग्रेचुटी कि जब DA 50% हो जाएगा तब इस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ग्रेचुटी अभी है, हम सभी को पता है कि इसका मैक्सिमम सीलिंग 20 लाख है, जो 6th वेतन आयोग तक 10 लाख हुआ करती थी। 7th वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया था, जहां पर एक चीज़ और मेंशन की गई थी कि जैसे ही आपका DA 50% बढ़ जाएगा तो आपकी ग्रेचुटी को 25% बढ़ा दी जाएगी। यानी जो अभी 20 लाख है वह जैसे ही DA 50% होगा तो उसमें 25% का इजाफा होगा, और टोटल आपकी ग्रेचुटी जो अभी 20 लाख रुपए है उसकी मैक्सिमम सेलिंग 25 लाख रुपए हो जाएगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं हाउस रेड अलाउंस की। देखिए, जब 7th वेतन आयोग आया था तो उसमें हाउट रेंज अलाउंस को XYZ क्लास सिटी वाइज डिजाइन किया गया था। उसमें बोला गया था कि एक्स सिटी है तो 24%, वाई सिटी है तो 16% और जेड क्लास सिटी है तो 8% मिलेगा। जैसे ही DA 25% होगा तो उसमें वृद्धि हो जाएगी और वह 9%, 18% और 27% हो जाएगी, और जैसे ही यह DA 50% बढ़ेगा तो उसमें फिर से वृद्धि की जाएगी और उसमें एक्स सिटी को 24% से बढ़ाकर 30% हो जाएगा। उसी तरह वाई सिटी 20% हो जाएगा और जेड सिटी को बढ़ाकर 10% किया जाएगा। और वहाँ यह भी बताया गया था कि जहाँ मिनिमम HRA जेड सिटी के लिए 1800, वाई सिटी के लिए 3600 और एक्स सिटी के लिए 5400 से कम नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं CTG की, यानी कंपोजिट ट्रांसफ़र एंड पैकेजिंग ग्रांट। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। कंपोजिट ट्रांसफ़र एंड पैकिंग ग्रांट विल बी पेड एट 80% ऑफ प्रीवियस मंथ बेसिक पे। यानी ये जो अलाउंस है ये आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए मिलता है, जो आपने पिछले मंथ में जो आपकी बेसिक सैलरी थी उसका 80% मिलता है। एम्प्लॉय हु हैव सेटल्ड मोर
देन 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर, यानी 20 किलोमीटर की दूरी में जब भी उनका पोस्टिंग होता है तो उनको उनकी सैलरी का 80% मिलता है। इन द केस ऑफ ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड द सीटीजी इज पेड 100% ऑफ प्रीवियस मंथ। यानी जैसे आइसलैंड होता है, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइसलैंड, इस सब के लिए पहले से उसमें बेसिक पे का 100% ट्रांसफर अलाउंस मिलता था। तो इसमें क्या बदलाव होगा तो ये भी देख लेते हैं। तो जहाँ सीटीजी का नॉर्मल रेट पहले 80% लास्ट मंथ ऑफ बेसिक पे हुआ करता था, वो डीएडीआर 50% होने के बाद ये 100% हो जाएगी। और जहाँ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड टेरिटरी की बात आती है, जो वहाँ पहले से 100% थी बेसिक पे का, वो अब बढ़कर 125% कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं CEA के बारे में, यानी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस की। तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रेन अलाउंस 2250 रुपये पर मंथ अभी है, जो सालाना हो जाता था 27,000 रुपये। अगर 50% DA क्रॉस कर जाता है तो ये 2812 रुपया 50 पैसा पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, जो कि सालाना आपका 33,750 रुपया हो जाएगा। और याद रखें, ये जो पहले दो बच्चे होते हैं उन्हीं को मिलता है, अगर दूसरा बच्चा जुड़वा निकलता है तो ऐसी कंडीशन में दोनों को मिलता है। हॉस्टल सब्सिडी, यानी अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो उसकी भी सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है, जो कि अभी के रेट में थी 6,750 रुपये पर मंथ, जो कि सालाना 81,000 रुपये हो जाती थी। और DADR 50% होने के बाद यह 8,437 रुपये 50 पैसे पर मंथ हो जाएगी, जो सालाना आपको 101,250 रुपया हो जाएगा। कुछ ध्यान देने की बात इसमें है, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है तो आप CEA और HS दोनों के लिए एलिजिबल हैं। दिव्यांग हैंडीकैप बच्चे को ये जो भत्ता है ये दोगुना मिलता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें थी। अब बात कर लेते हैं होटल चार्ज, ट्रैवलिंग चार्ज और फूड चार्ज के बारे में। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, जब भी DA आपका 50% हो जाएगा तो उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाएगी। जो जैसे अभी होटल चार्ज अभी 1,000 रुपये पर डे है, और उसमें 25% जब इंक्रीज किया जाएगा तो 1,000 से बढ़कर अभी 1,250 रुपये हो जाएंगे। उसी तरह TA में भी 25% वृद्धि की जाएगी, और जो भी वास्तविक जो भी रेट है उसमें 25% की वृद्धि की जाएगी। उसी तरह फूड चार्ज का भी आप नीचे देख सकते हैं, उसमें भी लिखा गया है कि इंक्रीज बाय 25% व्हेन एवर DA इंक्रीज बाय 50%। यानी जितने भी चार्जेस आपके होटल चार्ज हो, ट्रैवलिंग चार्ज हो या फूड चार्ज हो, इसमें जब DA 50% क्रॉस कर जाएगा तो इन सभी में 25% की वृद्धि कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं ड्रेस अलाउंस की। तो बाकी सभी के तरह भी जब DA 50% हो जाएगा तो ड्रेस अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे अभी GES और OR को ड्रेस अलाउंस के रूप में 10,000 रुपये मिलते हैं, उसी तरह जब DA 50% हो जाएगा तो वो 10,000 से बढ़कर 12,500 रुपये हो जाएंगे। ये जो जानकारी थी कि जब आपका DADR 50% हो जाएगा तब आपके कौन कौन से अलाउंस में बढ़ोतरी होगी, और अब आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी सैलरी में जब DADR 50% की वृद्धि होगी तो आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही 1/1/2024 से आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।